नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, 9 नवंबर गुरुवार का दिन। दोस्तों, ये गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन दोस्तों गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है और इस योग में छोटा सा उपाय करने मात्र से आपकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गुरुवार के दिन छोटे छोटे उपाय, जिनको करने से दोस्तों आपकी धन, विवाह और पढ़ाई की सारी बाधाएं दूर हो जाती है और आपकी किस्मत चमकने लग जाती है। दोस्तों, हम लोग सफलता पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। हम खूब मेहनत करते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, बावजूद इसके न तो हमारी तरक्की होती है और ना ही हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इतना ही नहीं, पूजा पाठ भी हम लोग खूब करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। हमेशा किस्मत को हम कोसते रहते हैं। दोस्तों, असल में ये स्थिति गुरु ग्रह के प्रभाव की वजह से होती है। यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर है या नीच का है या मृत है या वृद्ध है, तो इंसान लाख कोशिश कर ले, उसे ताउम्र आर्थिक कमजोरी रहेगी, यानी कि पैसे के मामले में उसको तंगी की सामनी करनी पड़ेगी। सफलता में बाधाएं आएगी, उनको असफलता का मुख देखना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, गुरु के उपाय करने से आपको विशेष राहत मिल सकती है। आपको गुरु ग्रह के उपाय करके गुरु ग्रह को अपनी कुंडली में मजबूत करना होगा। दोस्तों, हम एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको करने से न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, बल्कि जिंदगी में कभी भी धन की कमी महसूस आपको नहीं होगी। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने का एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिससे कुंडली में गुरु ग्रह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा से गुरु के कुप्रभाव खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये एक बेहद ही अचूक उपाय है। इसे आप किसी भी गुरुवार से शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, यदि इस उपाय को गुरु पुष्य नक्षत्र में शुरू किया जाए, तो फल जल्द मिलने का योग बनता है। दोस्तों, आपको ये उपाय इस प्रकार करना है कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करने के बाद गाय का कच्चा दूध घर पर लेकर आ जाएं। दोस्तों, यदि घर में हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखें, दूध में जरा भी पानी नहीं मिलाएं और ना भी मिला हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों, एक छोटे से बर्तन में दूध ले लें। यदि पीले वस्त्र पहन सकें तो सबसे बेहतर है, आप पीले वस्त्र पहन लें। अब दोस्तों, उस दूध को तुलसी की जड़ में धीरे धीरे चढ़ाएं। दोस्तों, उस दूध को तुलसी की जड़ में चढ़ाते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार है, ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो प्रचोदयात। दोस्तों, आपको कम से कम 21 गुरुवार तक ऐसा करना है। हर गुरुवार ऐसा करने से तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु को तुलसी जो है दोस्तों, वो बेहद प्रिय होती है, यानी कि भगवान श्री विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर होगी, जिससे आपके घर पर धन संबंधी सभी समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, आप गुरुवार के दिन शिवलिंग पर कनेर का पीला फूल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फूल में थोड़े से साबुत चावल रखें जो हल्दी से रंगे हुए हो। शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय दोस्तों, आपने गुरु के मंत्र को बोलना है। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो च गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएँ।